नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इंदौर की बड़ी खबर के साथ, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। आतंकी संगठन चुनाव को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अलकायदा या कोई भी आतंकी संगठन कायदे में रहे, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। पीएम मोदी और अमित शाह का नेतृत्व है, नामो निशान मिट जाएगा यदि किसी ने देश पर हमला करने की सोची भी। साथ ही भाजपा जल्द ही उम्मीदवार घोषित करेगी, एक भी नक्सली प्रदेश की धरती पर कदम ना रखे, नहीं तो जैसा बालाघाट में हश्र हुआ वैसा ही अमरकंटक में होगा। साथ ही कोविड को लेकर कहा कि कोविड को लेकर सरकार सख्त है और उसी के साथ ही सरकार की लगातार नजर बनी हुई है और कोविड के केस ज्यादा नहीं बढ़ने दिए जाएंगे। तो इंदौर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। एक तरीके से देखा जाए तो नक्सली, आतंकवाद और कोरोना को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ये बयान सामने आया है। कोई भी आतंकी संगठन इतनी जोर से क्यों फेंक रहे हैं, चाहे हो अलकायदा तो, मेरा एक बात कहना है कि अलकायदा कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा। अविनाश जी माइक में दिखना, कायदे से अलग जाएगा तो फायदे से जाएगा। मोदी जी का, अमित शाह जी का नेतृत्व है देश को, या कोई भी आतंकवादी संगठन बर्दाश्त नहीं। नाम निशान मिट जाता है, देश के ऊपर हमला करने की सोचे नहीं करनी। मोदी जी विराजमान है पीएम की कुर्सी, कोई भी आतंकी। खबर आपको बता रहे हैं इंदौर से, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि उन्होंने आतंकी संगठन को लेकर बड़ा बयान दिया है, कहा कि अलकायदा या कोई भी आतंकी संगठन कायदे में रहे, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। उसी के साथ ही नक्सलियों और निकाय चुनाव को लेकर भी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं संवाददाता अंकित, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अंकित, इंदौर से एक खबर सामने आ रही है, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का आतंकवाद को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। हेलो जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी अनुपमा, बताइए। अंकित, इंदौर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का आतंकवाद को लेकर बड़ा बयान सामने आया है, पूरी जानकारी क्या है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज प्रदेश के गृह मंत्री और इंदौर जिले के प्रभारी नरोत्तम मिश्रा इंदौर आए हुए हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि अलकायदा या कोई भी आतंकवादी संगठन भारत पर अगर हमला करने की सोच रहा है तो वह कायदे में रहे, कायदे में रहेगा तभी वो फायदे में रहेगा। यह कहना इंदौर में नरोत्तम मिश्रा के द्वारा कहा गया है। अनुपमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो एक खबर आपको बता रहे हैं इंदौर से, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का आतंकवाद, नक्सली और चुनाव को लेकर बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने आतंकवाद को लेकर कहा कि अलकायदा या कोई भी आतंकी संगठन कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे।